प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब लोगों के लिए सस्ते दामों पर अच्छी किस्म का राशन मुहैया करवाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी इन योजनाओं के धज्जे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानों से लोगों को खराब व कूड़ा करकट वाली दालें दी जा रही हैं। वही उपभोक्ता को राशन का कोई भी बिल नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला सोलन के सपरून में देखने को मिला, जब बीपीएल परिवार द्वारा सपरून स्थित उचित मूल्य की दुकान से राशन खरीदा गया। घर पहुंचकर जब राशन को संभालने लगे तो उसमें चल रहे कीड़े गंदी दालों ने उनके होश खपता कर दिए। डिपो से लाए गए सामान को खोला गया तो उसमें से दालें कम और दालों के कंकर पत्थर ज्यादा थे। इससे पूर्व भी लोगों ने उचित मूल्य की इस दुकान की शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन विभाग द्वारा हर बार सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देकर टाल दिया गया। सोलन के क्लीन गांव में बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली महिला बिमला और रमा ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के लिए साफ सुथरा राशन सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के दावे तो करती है, पर जमीनी स्तर पर यह सारे दावे खोखले नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सपरून में उचित मूल्य की दुकान से राशन खरीद कर लाए तो राशन में जो दालें दी गई थी उसमें कीड़े चल रहे थे और सभी दालें गंदी थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए सस्ता राशन देने की बात की जाती है, लेकिन उन्हें सस्ता राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे डिपो होल्डरों पर लगाम लगाई जाए जिससे पात्र लोगों को सस्ती दरों पर साफ सुथरा राशन मिल सके। वही जब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन वही डिपो होल्डर पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अब देखना यही होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है या फिर गरीब इसी तरह पिसता रहेगा। आईआरडीपी में आके फिर भी हमारे को सस्ता राशन नहीं मिलता है और वो भी गंदा राशन मिल रहा है। हम कितना साफ करेंगे, इसमें कीड़े चल रहे हैं, चूहे की मिंगने हैं, इसमें हर एक दाल मिक्स है। जबकि सरकार बोलती है, हमेशा अखबार में भी आता है, टीवी पे भी आता है कि पैकिंग में दे रहे हैं, साफ सुथरी दालें दे रहे हैं और सस्ती दालें दे रहे हैं, किसी को भी नहीं देते हैं। डीसी ऑफिस में बोला हमने, उन्होंने बोला बहुत लोगों की कंप्लेन आई है, तो कोई अभी तक कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है। सरकार से मेरी यही विनती है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इससे हम ही परेशान नहीं है, बहुत लोग परेशान है जो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। मैं क्लीन में रहती हूँ और हमारा डिपो सपरून में है, पर डिपो वाला हमें कभी ना बिल देता है ना कभी हमारे को अच्छा राशन देता है। अब हमें दालें दी है उसने, देखो तीन इतनी गंदी दालें हैं कि क्या बताएं। उनको कुछ ना बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं उन दालों का, ठीक है ना। कभी हमें बिल देता है, वह अगर उसको बोलो कुछ तो वो देता ही नहीं, कहता जाओ जाओ घर में देखो जाके। अब हम कैसे करें बता लो। हमारे चावल भी 3 रुपए किलो है, लेकिन उसने आज तक कभी नहीं लगा हमारे को कि 3 रुपए किलो दिए होंगे। हमारा बिल जो भी बनता है वो 1000 से ऊपर ही बनता है। मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैंने तो यही देखा है कि इतने का ही बिल बनता है हमेशा। नहीं सर, वो ना राशन भी अंदर तोलते हैं, वो हमें नहीं पता चलता है कि क्या तोला उन्होंने क्या नहीं तोला है, सामने नहीं तोलते हैं वो हमारे।